नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल श्याम इलेक्ट्रॉनिक पे हार्दिक स्वागत है। काफी टाइम के बाद आज फिर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि एक जे डीवीडी प्लेयर है जिसके बीच में पेन ड्राइव नहीं है। अब हम इस डीवीडी को पेन ड्राइव भी अपना यूएसबी और ब्लूटूथ के साथ कैसे जोड़ेंगे। जे हमारे पास एक सर्किट होता है जिसके बीच में ये ऑप्शन होती है, इसमें आपका यूएसबी भी चलेगा और मेमोरी कार्ड भी अटैच हो जाता है और इसमें बीटी यानी कि ब्लूटूथ की भी ऑप्शन है। ये मार्केट में आपको मिल जाता है, इसके साथ एक रिमोट भी आता है। इसके बीच में एफएम की भी सुविधा होती है कि अगर आप एफएम चलाना चाहते हो, कोई भी चैनल सुनना चाहते हो, तो वो भी इसके साथ चलेगा। तो हम आज आपको बताएंगे कि एक मैनुअल डीवीडी प्लेयर में इसका कनेक्शन कैसे करें। तो चलो शुरू करते हैं, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। मैं आपको बताता हूँ इसके ये कनेक्शन है, ये कैसे करने हैं आपको और उसके बारे में। अभी ये डीवीडी प्लेयर है, इसको हम पेज खोल रखे हैं इसके। ये देखिए, ये इसका पावर कार्ड है और ये डीवीडी का मेन कार्ड है और ये एम्पलीफायर सर्किट लगा हुआ 4440 का। अभी हम इस एम्पलीफायर को यूज़ करेंगे इसके साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में पहले देखिए कि जो ये जो जैक लगा हुआ है ये 5 वोल्ट और ग्राउंड का है और ये तीन जो वायर है इसके बीच में लेफ्ट चैनल, राइट चैनल और बीच वाला जो वायर है वो ग्राउंड होती है। तो इसको हम कनेक्शन को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमें डीवीडी को ऑन करना है। ये डीवीडी ऑन हो चुका है। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा इस बोर्ड के बीच में 5 वोल्टेज। तो हम इसको एक को ग्राउंड पॉइंट पर रख लेंगे, जैसे ये है, मीटर को हमने डीसी पे कर लिया कर रहे हैं। तो वो डीवीडी को ऑन करने के बाद जैसे ऑन, ये डीवीडी ऑन हो चुका है, सबसे पहले हमने इस कार्ड के बीच में से 5 वोल्टेज ढूंढना है कि किस कनेक्शन के ऊपर 5 वोल्टेज आ रहा है। तो इसको हम एक ग्राउंड के साथ लगा लेंगे, अर्थ कर लेंगे और हम इसकी वोल्टेज ढूंढते हैं। ये कम वोल्टेज मिल रहा है, इस पॉइंट पे हमें 4.6 वोल्टेज मिल गया है मीटर के ऊपर। तो इस कार्ड को हम अभी जोड़ते हैं इसके साथ। इसका ये जो प्लग है 2 पिन वाला, इसका जो पहला पॉइंट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट को हम ऐसे इसको लग कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि कनेक्शन गलत ना हो। ये जो वायर है 5 वोल्ट की है, जहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिला है तो हम जहाँ पे जोड़ देंगे। और जो ग्राउंड पॉइंट है, हम इस बोर्ड के बीच में कहीं भी ग्राउंड से लेके, जैसे ये कैपेसिटर का यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है, तो हम इसको इसके साथ सोल्डिंग कर देंगे। अभी देखिए, ये हमारा ऑन हो चुका है। और इसके जो ऑडियो के कनेक्शन है वो आपने क्या करना है, ये जो एम्पलीफायर का आ रखा है इसमें लेफ्ट राइट और ग्राउंड का दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या करना है, इसका जो लेफ्ट वाला है जहाँ पे सोल्डिंग करेंगे और ये राइट चैनल को इसके राइट के साथ,
और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये ग्राउंड बना रखा है। ये 5 वोल्ट का हमारा कनेक्शन, ये जो है वायर है, ये एंटीने की वायर होती है, इसको हम बाहर कहीं भी निकाल के इसके साथ वायर लगा सकते हैं। अभी जैसे ये सर्किट ऑन हो गया है, तो देखिए अभी इसके ऊपर ऑप्शन आ चुका है, मोड आ रहा है, ये AUX आ गया। ये अगर पेन ड्राइव लगाएंगे तो यहाँ पे रीड का ऑप्शन आ जाएगा, और ये ब्लूटूथ का ऑप्शन आ गया, BT लिखा हुआ, और ये FM का आ गया। इसका कनेक्शन ये देखिए, ये वाली वायर है जो एंटीना का वायर है, जिसको हम वायर किसी की भी वायर के साथ जोड़ के बाहर निकाल देंगे। अभी जो इसका जो था 5 वोल्ट और ग्राउंड, और ये लेफ्ट चैनल राइट चैनल और सेंटर वाला ग्राउंड था, वो हमने पावर बोर्ड के बीच में दे दिया है। अभी इसके साथ हम स्पीकर लगा के लगाते हैं या ऑन करके बताते हैं आपको। ये देखिए हमने स्पीकर लगा रखा है एक, जैसे हमने इसका BT ऑन किया और ये फ़ोन के साथ हम पेयर कर रहे हैं, तो BT V96 पे करेंगे हम पेयर। It's now time to pair the. Now it's paired. अब हम एक कॉपीराइट फ्री जो म्यूजिक होगा वो लगाएंगे। इसके बाद BT के बाद ये जो रिमोट आता है इसके साथ, आप जहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। अभी ये देखिए इसमें के बीच में FM भी चल रहा है, इसके बीच में पेन ड्राइव भी लग जाता है, और अगर पेन ड्राइव नहीं है तो आपके पास मोबाइल का कार्ड है, SD कार्ड है, तो वो भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ब्लूटूथ का भी ऑप्शन इसके बीच में है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ इसके फंक्शन से, AUX मोड भी है, और ये आ गया है अपना पेन ड्राइव का और SD कार्ड का रीड का, और ये आ गया है ब्लूटूथ का। अगर ब्लूटूथ आप इसके साथ पेयर कर लेते हो अपने फ़ोन का, तो आपके जो भी फ़ोन के सॉन्ग है वो इसके थ्रू चलेंगे। और ये जो है एम्पलीफायर है, ये डबल IC एम्पलीफायर है, जिसे इसके ऊपर आप 12 इंच तक का, 8 इंच तक का स्पीकर वगैरह चला सकते हो, और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया से है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपके पास अगर कोई भी मैनुअल DVD प्लेयर है, चाहे बूफर है, तो आप उसको इस सर्किट के द्वारा पेन ड्राइव और ब्लूटूथ वाला मोड में चेंज कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।